इस मंदिर में जो भी जल या फिर दूध चढ़ाता है उसका भाई आज तक पता नहीं चला कि वो जाता किधर है। अरे कर्मों का तू फैसला। अब स्टोरेज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए वरना खत्म। उठ जाओ भाई साहब। सुनता क्यों नहीं? हेलो गाइस एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी जो है बहुत ही ज्यादा सुबह हो चुकी है और अभी हमारा जल्दी जल्दी का प्लान है कि हम जाएंगे भाई साहब चंद्रबंदनी मंदिर। चलो चलो। और उससे पहले देवल सारी मंदिर भी पड़ते रास्ते में वहाँ भी जाएंगे पहले। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो फिर फटाफट से निकलते हैं क्योंकि भाई जल्दी पहुंचना सही है क्योंकि लेट में पहुंचे फिर अंधेरा हो जाएगा फिर आने में भी दिक्कत है। हम जल्दी से निकलते हैं और आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज्यादा कमाल का मजेदार होगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं जूते वगैरह पहनता हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि हमने सोचा था 7 बजे निकलेंगे, 9 बज गए। कोई बात नहीं, मैं तो घर उठ जाता हूँ, आपको भी पता है मैं जल्दी उठता हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो। मैं आज इतनी जल्दी उठा ना, स्कूल के लिए तो मैं कभी इतनी जल्दी उठता ही नहीं था जितने जल्दी आज उठा मंदिर जाने के लिए स्पेस। वेल डन। वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि ऊंचाई में है ना मंदिर, ऊंचाई में। फिर कपड़े मफलर सब रख रखे मैंने, पैक करके बिल्कुल। मेरे साथ जाएगा आज अंकू, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन और मम्मी पापा, सब जाएंगे। बहुत ज्यादा मस्त मजा है यार। तो फिर फटाफट से मैं जूते वगैरह पहनता हूँ, फिर निकलते हैं फटाफट से। और भाई मंदिर के बारे में जो है बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां हैं, आपको मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, मतलब आगे चल के बताऊंगा। अभी तो खैर फिलहाल टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रही है, तो वीडियो को स्किप मत करना वरना फील नहीं आएगा जो अंदर से आता है ना, एक फील इतना भयंकर वाला वो नहीं आएगा। फिर इसकी मत करना और लास्ट तक देखना, मतलब इसमें कहानियां बताऊंगा मंदिर के बारे में, खुद नहीं बनाऊंगा, जो सुन रखी होगी वही बताऊंगा। भाई अब सब कुछ ठीक है, बस अब स्टोरेज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए वरना खत्म। लाइए थैली। अरे भाई हमने अपनी गाड़ी में निकाल ली बाहर। चलो भाई अब मैं भी घुसता हूँ गाड़ी के अंदर और चलते हैं, आप बहुत ज्यादा मजा आएगा। आ जाओ। भाई अभी हम उतरे हैं टिपरी में, यहाँ पे मच्छी भात बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम मंदिर की तरफ। यहाँ हमारे साथ अंकु भाई। हेलो भाई जी, गुड मॉर्निंग। और ये है भाई यहाँ पर टिहरी झील हमारे सामने। यहाँ से आते हैं नईटरी से और वहाँ जाते हैं मंदिर की तरफ ऊपर सीधा। ये देखो ये सवारी गाड़ी आगे सुबह सुबह। कहाँ ले जाएगा भाई हमें? आ जा तुझे आसमान में ले चलूं चांद को उसकी औकात। भाई आपको सारी तरीके की बस मिलेगी, देख सकते हो ये एक बस यहाँ पे आ गई। चलते हैं डायरेक्टली मंदिर में। चलो चलो चलो। ये है भाई ये नीचे पे जो मंदिर है इसको बोलते हैं देवल सारी मंदिर। जब हमने गाड़ी ली थी पहली बार तभी भी यहीं पूजा करने आए थे। बहुत ही ज्यादा माने जाने वाला मंदिर है ये, और यहाँ से जो नजारा आता है ना पूरे नईटरी का, मजा आया। ये है भाई साहब मंदिर की एंट्री। ये देखो बोर्ड लग रखा है श्री देवल सारी महादेव। यहाँ से नीचे है एंट्री। यहाँ पे घंटियां लग रखी, टिंग 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 टिंग। यहाँ पे म्यूजिक बना देख। सारे कर्मों का तू फैसला, हौसला ले ले। यहाँ पे करेंगे मम्मी का मंदिर फोटो शूट। आ गई, एक मेरी भी लेना। तो देख सकते हो भाई अभी हम यहाँ पर मंदिर पे, और लड़ाई मत करो, लड़ाई कर रही है इसलिए बोल रहा कि उसने जैकेट बेकार पहन रखी है। ये देख सकते हो भाई कितनी सारी घंटियां हैं यहाँ पे लगा रखी। हमने भी लगाई थी एक बार, पता नहीं कहाँ है वो। यहाँ पे नाम लिखते हैं ना इन घंटियों में अपना। वो देखो भाई नईटरी वो दिख रहा सामने, वहाँ पूरा कोहरा लग रखा है। तो भाई जैसे कि आपने बोर्ड में पढ़ा था इस मंदिर का नाम है श्री देवलसारी महादेव मंदिर। और इस मंदिर का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये मंदिर महादेव का मंदिर। इस मंदिर में जो भी जल या फिर दूध चढ़ाता है उसका भाई आज तक पता नहीं चला कि वो जाता किधर है। भाई आप भी ये सुन के हैरान हो गए होंगे। हाँ मैं भी हो गया था भाई। और भाई इस मंदिर में एक न एक बार जरूर विजिट करिए, यहाँ से जो नज़ारा दिखता है मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और महादेव का मंदिर है कुछ तो स्पेशल हो गए, और यहाँ आने के लिए आपको पता होना जरूरी है। तो फिर मैं आपको पता भी बता देता हूँ। उत्तराखंड के टिहरी जिले के टिपरी गांव में स्थित है। हर हर महादेव। यहाँ पर नाम लिख रखे जिसने पैसे दिए 1,100,000 51,000 रुपए भी दिए, इतने दान चढ़ा रखे हैं। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो।
भाई साहब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखो कितना सुनहरा नजारा मेरी आंखों के सामने। वाह क्या सीन है, पूरी घाटी घाटी है, यहाँ से सड़क आ रही है, सामान सामान लेते हैं। भाई देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैंने तो मफलर बांध दिया भयंकर टाइट से, कान कून ढक दिए, जम गए थे भयंकर की गाड़ी में, तो पता नहीं चला उतर के, पता लगा नहीं। अभी चलते हैं मंदिर में, तब कहानी बताते हैं आपको कुछ मंदिर की। हाँ गर्म पजामी मैं नहीं पहनी ये बॉय। और भाई ये नीचे जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारी के सारे लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पूरी पर्याप्त जगह है यहाँ पे गाड़ी कूड़ी खड़ी करने की। भाई जब कोई स्पेशल कार्यक्रम रहता है ना इधर, तब आपको जगह ही नहीं मिलेगी गाड़ी लगाने की, गंगरी भीड़ रहती है। यहाँ पर देखो पूरे मंदिर ही मंदिर बना रखे, और यहाँ पर उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड। तो गाइस देख सकते हैं हमने मंदिर के मस्त वाले दर्शन दुर्शन कर दिए हैं।